रत्ना अवार्ड, पद्मा अवार्ड, ये तो बड़े छोटे अवार्ड रह जाते हैं। जो अवार्ड जनता देती है वो सदियों तक याद रखे जाते हैं। और ये जनता का ही अवार्ड है कि जो इस छोटे से घर को देखने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं और अपने इस महान लीडर को महान अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, यही वो कपड़े हैं जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, जब वो मिसाइल मैन थे, तब उन्होंने ये वाले कपड़े पहने थे। दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का घर। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं के घर के सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं हूँ इस समय रमेश्रम में, और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस जगह बोला जाता है राम सेतु पुल। और आज मैं जो लेके जा रहा हूँ आपको, वो लेके जा रहा हूँ इस देश के जीरो हिटर पर्सनैलिटी, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनका घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रमेश्रम जो है बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता है, चाहे वो श्री राम जी भगवान रहे हों, चाहे वो तुम्हारे की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हों। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का घर। तो इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जगह भी बहुत अच्छी है, और अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा हो ना, तो इसका प्रीवियस ब्लॉग देखना, राम सेतु ब्रिज वाला, काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि एग्जैक्टली ये जो लोकेशन है, ये हिंद महासागर है, और उस साइड जो है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, दो समुद्रों एक साथ देख सकते हो आप। तो अभी जो हम चल रहे हैं, वो चल रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उस गली में, जो गली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर लेके जाती है। जस्ट सामने देखिए, ये चर्च है, और यही वाली गली है जिस गली से हम जाने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर। दोस्तों, मैं कितना खुश हूँ, मेरे दिल में क्या चल रहा है ना, कहाँ से आप समझ पाते कि मैं अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पहले मिसाइल मैन के घर जा रहा हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? चलो मैं ट्राई करता हूँ। उनका नाम है अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम साहब। और इनकी विशेषता क्या है कि एक तो पूर्व राष्ट्रपति रहे, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत को पहली स्वदेशी मिसाइल जो दिलाई थी, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिलाई थी। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जस्ट सामने घर आ चुका है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला जो घर देख रहे हैं, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हाउस ऑफ कलाम। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत सारी भीड़ है। और यहाँ पर ये देखिए अब्दुल कलाम साहब, अभी घर भी चलेंगे, अब तक तो वो म्यूजियम में चेंज कर दिया है। ये देखिए इंटरनेशनल फाउंडेशन हाउस ऑफ कलाम, ये देखिए सब, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ही, ये देखिए, ये देखो उनका एक, मैं आपको दिखाता हूँ डायलॉग, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओ माई गॉड, हाउस ऑफ कलाम साहब, यहाँ से इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर चलते हैं। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अबुल पाकिर जैनुलद्दीन अब्दुल कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के कलम में कलाम के इस घर में ही हुआ था, जो घर है ये डॉक्टर कलाम साहब के बड़े भाई। देखिए ये देखिए। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं घर के अंदर, यहाँ हम अपने शू उतारने हैं, और उसके बाद हम चल रहे हैं घर। एक्चुअल में ये जीना जो है ना, बहुत छोटा है, तो थोड़ा टाइट है, बट चल रहे हैं। मिशन ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आए हैं। कैमरा इस ओके,
तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के घर, और ये आप उनका घर देख सकते हो। ये एक्चुअली अब म्यूजियम में तब्दील हो गया है, और यहाँ पर आपको पूरी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो घर है एग्जैक्टली में उनके बड़े भाई का घर है, क्योंकि आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शादी तक नहीं की थी देश के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है बचपन से उनके, जब उनका इस ज़िंदगी से जब गए तो पूरा सब कुछ यहाँ पर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वही ड्रेस है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है पहना करते थे। वो बताना चाहता हूँ कि भारत को पहली स्वदेशी मिसाइल किसी ने दी है तो वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दी है। ये आप देख सकते हो ड्रेस कितने शानदार लग रहे हैं। इनका हेयर स्टाइल जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और दोस्तों पूरे म्यूजियम में आप एक एक तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से वो देश के एक ऐसे महान वैज्ञानिक बने जिन्होंने ना केवल भारत को स्वदेशी मिसाइल दी, साथ ही साथ अच्छे 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 विचार उन्होंने दिए। स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर अपने थॉट्स लिखे हैं जो आप यहाँ आकर पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे जो पहली तोप थी उसका यूज़ किसने किया था ये भी बताया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट, यहाँ पर टीपू सुल्तान का नाम लगा गया है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार तोप का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और एक चीज़ और, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सारे वर्ग के लोगों ने प्यार किया, चाहे वो स्टूडेंट रहे हों, चाहे वो एडल्ट्स रहे हों, चाहे वो मतलब कोई भी, चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यहाँ पर बहुत सारे जो अवार्ड उनको दिए गए। स्पेशल तीन जो अवार्ड दिए गए उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ये रिवार्ड देख सकते हो उनके लिए और जिस तरीके से उसको सम्मान किया गया। और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ पर लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं रामेश्वरम में। यहाँ पर जो आप उनके थॉट देख लीजिए, माय नेशनल प्रेयर, इसको पोज करके आप जो है पढ़ सकते हो जो उनके अपने थॉट्स थे देश के लिए। इस देश के हर एक इंसान ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को प्यार किया, लेकिन उनको जो सम्मान मिला भारत रत्न से मिला हो, चाहे उसके बाद पद्म विभूषण से मिला हो या उसके बाद पद्म भूषण से मिला हो, और नीचे डेट को मेंशन किया गया है। ये देखिए भारत रत्न उनको जो है 1997 में मिला। बच्चों से तो बहुत प्यार करते थे, यहाँ पर आप देखेंगे चिल्ड्रंस कलाम यानी बच्चों के जो कलाम रहे हैं उनके लिए सेमिनार लगाते थे और उन्हें थॉट्स देते थे, मोटिवेशनल थॉट्स देते थे कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो उनको सम्मान के रूप में मिले, और यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं किस तरीके से उनको सम्मान मिला। दोस्तों इस घर को 2011 में म्यूजियम में तब्दील करा दिया गया। और बताना चाहता हूँ ये जो घर है एक्चुअल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हैं उनके भाई का घर है। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है बहुत ऊँचे और अच्छे स्तर पर रहे। जाहिर है साइंटिस्ट बने होंगे तो शिक्षा भी अच्छी रही होगी। यह उनके जो रिवार्ड हैं, जो उनके डिग्रीज हैं, यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान किया, जो प्यार किया। साथ में मेरे साथ चलो दो कदम उनके जो नारे रहे हैं, देश के प्रति जो उनका प्यार रहा है वो और योगदान रहा है, वो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। जब आप इस घर में आते हो तो यकीन मानिए आपको एक इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा भंडार मिलता है जो आपको और करीब लाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए। यहाँ से आप उनके बारे में और जानकारी दे सकते हो कि एज ए प्रेसिडेंट उनका क्या जिम्मेदारी रही देश के लिए। ये स्पिरिचुअल पर भी ज़्यादा वो बिलीव करते थे और धर्म को जोड़ने की बात करते थे, यहाँ पर आप उनकी सोच देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो भी इंटरनेशनल लीडर रहे हैं उनका प्रति रवैया क्या रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए। यहाँ पर देखें किस तरीके से उनको सम्मान किया गया, किस तरीके से प्यार किया गया, आपको झलक देख सकते हो। और यकीन अच्छा लगता है कि किस तरीके से उनके इंटरनेशनल जो रिलेशन रहे हैं वो वाकई में बहुत ही अमेजिंग आप देख सकते हो। मतलब जब मैं यहाँ आया तो मन कर रहा था इसको देखता ही देखता रहूँ। और स्पिरिचुअलिटी पर वो किस तरीके से ये देख सकते हो लोगों को जोड़ने के लिए काम करते थे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है दोस्तों फील हुआ। ये एग्जैक्टली इस घर का नक्शा है। दोस्तों सिमिलैरिटी की बात करें तो जो इंसान इस देश के मिसाइल मैन रहे हों, जिन्होंने भारत को पहली मिसाइल दिलाई हो स्वदेशी, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद भी उनका अपना घर नहीं था, भाई के घर में रहते थे, यहाँ से सिमिलैरिटी समझ सकते हो। ये फर्स्ट फ्लोर था दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर और देखते हैं कि आखिर सेकंड फ्लोर में क्या है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पर और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सेकेंड पोर्शन को इन्होंने जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ये फोटो में जो देख रहे हैं ये इनके भाई हैं,
अपने भाई के साथ रहा करते थे। तो ये दो मंजिल था जो मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का घर दिखाया। अब साइड में जो है इनकी फाउंडेशन है, जो मैंने फोटो दिखाया था ना एग्जैक्टली में इनके भाई है, इनके भाई का घर था जहाँ पर वो रहा करते थे, और अभी भी इनकी फैमिली जो है इसी घर में जो है फर्स्ट फ्लोर पर रहती है। तो ये घर था कलाम साहब का, और जस्ट ये जो देख रहे हैं ये एग्जैक्टली जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन है, यानी शॉप है, बट ये क्लोज है टुडे, तो ये यहाँ पर बंद है। तो दोस्तों बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने इतनी भीड़ शायद किसी भी इंडियन जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उस इंसान के लिए मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी, इतना क्रेज़ नहीं देखा। और यकीन मानिए यहाँ पर लोग ना इनको एक भगवान का दर्जा देते हैं। लोग कहते हैं रामेश्वरम जो फेमस है वो बड़ी पर्सनैलिटी, चाहे वो श्री राम जी भगवान हो या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हो, उनके लिए जाना जाता है। तो ये इनका घर था। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हो तो हमारा Facebook पेज है अरबाज ब्लॉग का, वहाँ से जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो Facebook पे। अगर आप Facebook को देख रहे हो तो YouTube पर हमारा चैनल है अरबाज ब्लॉग का, और वहाँ जाकर जितनी प्लेलिस्ट हैं आप उनके डेडिकेट तरीके से ब्लॉग देख सकते हो, क्योंकि हम आपको फ्री में घर बैठे भारत दर्शन की यात्रा करा रहे हैं, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको जब हमारे ब्लॉग देखोगे। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 24 घंटे में मैं रिप्लाई करते करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपने ख्याल रखें। इंडिया की एक ऐसी शख्सियत का घर देखा जो अपने आप में एक मिसाल है, और इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा सादी थी कि दुनिया में मिसाल तलाश करना शायद मुश्किल हो जाए। इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद, इंडिया के पहले मिसाइल मैन बनने के बावजूद, राष्ट्रपति बनने के बावजूद, और सबसे बढ़ के जनता के राष्ट्रपति बनने के बावजूद अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सादी थी। और ये जो घर दिखाया जा रहा था ये उनके भाई से मंसूब किया जा रहा है। उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, और अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने भारत की तरक्की के लिए वक्फ कर दी, और वो इस कदर अपने मुल्क के साथ मुखलिस थे कि जब वो 5 साल तक सदर रहे हैं भारत के, उसके बावजूद उन्होंने सरकार से 1 रुपया नहीं लिया, और अपने अखराजात चलाने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया करते थे। यहाँ से उनकी सादगी का और उनकी हुब्बुल वतनी का निशान मिलता है। इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे जिन्होंने हज़ारों जिंदगियों का मुतासर किया। और अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो फिर आपको पहले सूरज की तरह दहकना होगा। और जो उनका कॉल उनके घर के बाहर लगा हुआ कि आप अपने मुस्तकबिल को तब्दील नहीं कर सकते लेकिन आप अपनी आदतों को तब्दील कर सकते हैं, और आपकी तब्दील की हुई आदतें आपका मुस्तकबिल तब्दील कर देंगी। क्या शानदार बात है, क्या ज़बरदस्त दिमाग है, और क्या लगन और क्या मेहनत है इस इंसान की, जो एक गरीब घराने से तरक्की करता हुआ बहुत आगे तक गया। एक वीडियो में इनकी सारी ज़िंदगी देखी थी तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कैसे इन्होंने कम वसाइल के साथ बचपन में अखबार तक बेच के इन्होंने अपने तालीम के अखराजात चलाए। ये तमिलनाडु के एक दूर दराज इलाके में पैदा हुए थे जो इंडिया के बड़े शहरों से अच्छा खासा दूर है, रामेश्वरम शायद उस शहर का नाम है तमिलनाडु में, और अब ये उनका घर भी वहीं पे दिखाया जा रहा था। तो ये एक पसमानदा इलाका था उस ज़माने में भी, और आज तो खैर काफ़ी फ़र्क पड़ गया होगा, लेकिन अपने वक्त में ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं था जहाँ पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके होते। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने अपनी मेहनत, अज़म और हिम्मत के साथ वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, और इसरो को इसरो बनाने वाले अब्दुल कलाम साहब ने इंडिया को वो दिया जो बहुत से लोग चाह कर भी ना दे सके। राष्ट्रपति तो बहुत से गुजरे होंगे लेकिन जो नाम, जो इज्जत और जो मोहब्बत अब्दुल कलाम साहब ने कमाई है वो किसी के हिस्से में नहीं आई। इसलिए वीडियो उन्होंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ज़ीरो हेटर हैं, इनसे इंडिया में कोई भी मकतबे फिक्र या कोई भी सियासतदान नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि इनका किरदार इतना ज़्यादा अजीम था। और म्यूज़ियम में हमें यह चीज़ वाजे नज़र आ रही थी कि इन्होंने धर्म को एक करने के लिए, मुल्क को एक करने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिशें की हैं, और अपनी शख्सियत से इन्होंने यह साबित किया है कि हिंदुस्तान में हर मिनोरिटी के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है, और हिंदुस्तान में अपनी मेहनत के सर पे कोई भी मुसलमान या कोई भी दूसरी मिनोरिटी किसी भी बड़े ओहदे तक पहुँच सकती है। तो अब्दुल कलाम साहब की ज़िंदगी एक मिसाल है। मैं तो इनकी सादा ज़िंदगी का सच में दीवाना हूँ। एक इंसान जिसने इतना फेम कमाया, इतना नाम कमाया, उसके बावजूद उन्होंने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने वो चीज़ हासिल कर ली जो दुनिया के अमीर इतनी लोगों के हिस्से में भी नहीं आई, यानी कि अपने देश के लोगों की सच्ची मोहब्बत। तो ये चीज़ अब्दुल कलाम साहब के हिस्से में आई है उनकी ज़िंदगी की शानदार और बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से। अब्दुल कलाम साहब की अपनी ज़िंदगी में हासिल की गई डिग्रियां अपनी जगह, लेकिन इन्होंने अवाम के दिलों में, जनता के दिलों में जो मोहब्बत हासिल कर ली है वो हर डिग्री से ऊपर है। गो के इनकी डिग्री के कलेक्शंस पूरी अलमारी भरी हुई थी,
लेकिन सच में जो इन्होंने हासिल किया वो इन डिग्रियों से कहीं ऊपर की बात थी, और वो है जनता की सच्ची मोहब्बत। रत्न अवार्ड, पद्मा अवार्ड, ये तो बड़े छोटे अवार्ड रह जाते हैं, जो अवार्ड जनता देती है वो सदियों तक याद रखे जाते हैं। और ये जनता का ये अवार्ड है कि जो इस छोटे से घर को देखने के लिए भारत के कोने कोने से आते हैं और अपने इस महान लीडर को महान अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। इंडिया के इस महान इंसान को जिसने हमेशा अमन की बात की, भाईचारे की बात की, तरक्की की बात की, खुशहाली की बात की, आगे बढ़ने की बात की, गुर्बत को शिकस्त देने की बात की, पसमानदगी को पीछे छोड़ने की बात की, उस अब्दुल कलाम को मेरा सलाम। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन देते हो तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।